जय बाबा रेशा, जय रुणिजा श्याम की जय हो। भक्तों, इस बार रामदेवरा मेला लगेगा या नहीं कोई नहीं बता सकता। जहां तक हम लोग आप सभी देख रहे हो, भक्तों की भीड़ कतारे हाईवे पर गांव-गांव लगी हुई है, क्योंकि भगत नहीं मानेंगे। चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, इनकी इच्छा यही रहती है कि हम कब बाबा के जाए और कब दर्शन पाए। देखो, रामदेवरा में अभी तक तो ऐसा कोई समाचार मिला नहीं कि मेला लगे या ना लगे। देखो, कल रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन का त्योहार था कल, तो आज भादवा एकम है, सोमवार। आज से ही भादवा लग चुका है और अब भादवा के बीच के दिन बड़ाई संसार का सबसे बड़ा मेला रहता है बाबा रामदेवरा का। अभी तक सरकार से कोई आदेश नहीं आया कि मेला बंद है या फिर मेला लगाया जाए या ना लगा जाए, माना का कोई जवाब नहीं है। खैर, हम भक्तों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सरकार से आदेश आवे या ना आवे, हम नाराज नहीं है। क्योंकि लोग महामारी ऐसी चल रही है कि लोगों का बचना मुश्किल हो रहा है। देखो, हम सरकार को भी गलत नहीं कहेंगे, सरकार की जगह पर सही है और हम भगत हमारी जगह पर सही है, हम सरकार की बात भी मानेंगे। अगर सरकार से आदेश आ जाता है कि मेला नहीं लगेगा, पट बंद कर दिए जाएंगे, आप सभी रामदेवरा के लिए भक्त प्रस्थान ना करें और ना जावे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अपनी जगह पर रुक जाना, वहीं पर बाबा को याद करना, बाबा स्वयं वहीं पर पधारकर आपको दर्शन देगा। ये सच है, कट कट में, मन मन में, पल पल में, हर दिल में बाबा रामदेव जी विराजमान हो जाते हैं। ये तो आपको ध्यान है, पता ही है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी जो भगत भक्ति कर रहे हैं वही वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो, मैं किसी का बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी भक्त होते हैं जो कि दो दिन चलो घूम के आएंगे, एंजॉय करके आएंगे, शेयर करके आएंगे। तो ऐसे जो मन में सोचने वाले हैं वो तो बिल्कुल रामदेवरा नहीं जा रहे हैं। और जिस भगत को मन में इच्छा है कि मैं तो हर साल की बात ही, हर भादवा की बात ही, हर भादवे में रामदेवरा जाता हूँ, इस बार भी जाना चाहता हूँ, बाबा मुझे बुलाएगा, तो बाबा बिल्कुल बुलाएगा और बुला रहा है, ये मुझे पता है। जो मन में सोचता है मैं हर साल रामदेवरा जाऊंगा और जाकर ही रहूंगा, बाबा का दर्शन पाकर ही रहूंगा, तो ये सच है कि रामदेव जी महाराज उसको बुलाएंगे और बुला रहे हैं, बुला के उनको दर्शन जरूर देंगे, ये सही बात है। इसलिए भक्तों, फिलहाल तो आप रामदेवरा पधारो, पेट पलाने जाओ, पैदल जाओ, मोटरी में जाओ, कैसे भी जाओ, बाबा के दर्शन करके आओ। बाबा भली करेगा, मैं करेगा, जोया भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अपन जानते हैं, बाबा के भरोसे हैं। लेकिन अभी तो भादवा जी दूर है, आज एकम है, सोमवार एकम भादवा। खास बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस भादवा बीच को मेला लगेगा या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, या तो वो बाबा ही जानता है कि मेला लगे या ना लगे। लेकिन अपनों को तो दर्शन पाना है, दर्शन बाबा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई आदेश आया नहीं सरकार से, और जब आदेश आ जाएगा तो हम आपके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि मेला लगे या ना लगे। लेकिन भक्तों, एक बात तो है, बाबा रामदेव जी के भक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप रामदेवरा पधारो, आराम से दर्शन करने पधारो, लेकिन सरकार का आज्ञा का पालन करते हुए मास्क लगाकर, दूरी बनाकर और जो भी सरकार के आदेश हैं वो अपने
साथ लेकर के मतलब चलना है और फिर रामदेवरा यात्रा पर निकलना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा रास्ते में। रास्ते में आपको ये भी नहीं बोलेगा कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा, कुछ नहीं। बस बाबा के जा रहा हो, उनको भी पता, सबको पता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सरकार की आज्ञा का पालन करते हुए। ठीक है भक्तों, मैं भी यही चाहता हूँ कि रामदेवरा मेला लगे, सभी भक्त नाचे झूमे गाए और अपनी खुशियां मनाए बाबा रामदेव जी के साथ। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक बार फिर से बोलता हूँ, जोगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। बोले रूणी जा श्याम की।